नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड प्रयागराज से। अगर आप लोगों ने भी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के एग्जाम 2023 में दिए हैं और आपका भी जो रिजल्ट है वो दोस्तों यहां पर फेल या फिर आप लोग अब्सेंट हो गए थे किसी भी पेपर में, या फिर आपने जिस हिसाब से लिखा था उस हिसाब से आपको नंबर नहीं मिले हैं, तो ऐसे में आप लोग इम्प्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट फॉर्म को अप्लाई करके उन पेपरों को दोबारा से दे सकते हैं और आपको यहाँ पर दोबारा एग्जाम होंगे और उन एग्जाम में आपके जो भी फाइनल नंबर होंगे वो आपके रिजल्ट पर अपडेट कर दिए जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड प्रयागराज के इंप्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट फॉर्म को किस प्रकार से आप लोग अप्लाई करेंगे, इसकी फीस यहाँ पर कितनी जाने वाली है और कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेकर आए। उम्मीद पूरी करते हैं कि यदि आप लोग भी यह वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे, आप लोग भी इंप्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट के फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको इसकी शॉर्ट इंफॉर्मेशन के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है, जैसा कि इंपोर्टेंट डेट हो गई, फॉर्म को फिल करने की यहाँ पर फीस कितनी रखी जाएगी, फॉर्म को फिल करते वक्त आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कौन कैंडिडेट यहाँ पर इंप्रूवमेंट फॉर्म अप्लाई करेगा, कौन कैंडिडेट कंपार्टमेंट अप्लाई कर सकता है और कौन कैंडिडेट यहाँ पर स्कूटनी के फॉर्म को अप्लाई करेगा, इन तीनों के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम आप लोगों को यहां पर बताएंगे हाई स्कूल के बारे में। यदि आप लोग भी हाई स्कूल में फेल हो गए हो या फिर आप लोग अब्सेंट हो या फिर आपने जिस हिसाब से लिखा था उस हिसाब से आपको नंबर नहीं मिले हैं, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप लोग हाई स्कूल क्लास में एक सब्जेक्ट या फिर दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट में फेल हो तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट की बात यह है कि यदि आप लोग हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट में फेल हो तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोगों का जो भी एक जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट को छोड़ के किसी अदर सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। यदि आप लोग हिंदी में फेल है तो आप लोग इम्प्रूवमेंट के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप लोगों ने जिस हिसाब से लिखा था उस हिसाब से आपको नंबर नहीं मिले हैं या यानी आप लोग पास आए, जिसे बोलते हैं 33 नंबर से ऊपर यदि आपके नंबर आए और आप लोग भी इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट डालना चाहते हैं तो आप लोग इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग केवल स्कूटनी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्कूटनी के फॉर्म का मतलब ये है कि आप अपनी कॉपी का पुनः मूल्यांकन कराना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आपका जो भी फाइनल नंबर होंगे वो आपके रिजल्ट पर अपडेट कर दिए जाएंगे। लेकिन आप लोग यदि आप लोग पास हैं तो आप लोग यहां पर इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हैं, केवल फेल वाले स्टूडेंट यहां पर इंप्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट के एग्जाम को देंगे, वो भी हिंदी सब्जेक्ट के अलावा किसी अदर सब्जेक्ट में। यदि आप लोग एक विषय में फेल हैं तभी आप लोग एग्जाम दे पाएंगे। अब बात करेंगे इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास के बारे में। यदि दोस्तों आप लोग किन्हीं दो सब्जेक्ट में अगर आप लोग फेल हो या फिर अनुपस्थित यानी अब्सेंट हो तो दोस्तों आप लोग यहां पर अपना इम्प्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटर में भी वही शर्त रखी गई है कि हिंदी विषय में पास होना अनिवार्य है, तभी आप लोग इम्प्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात और है कि यदि आपके नंबर कम है या फिर 33 से 34 नंबर है तो भी आप लोग इंप्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो भी आप लोग यहां पर केवल स्कूटनी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। स्कूटनी के फॉर्म का मतलब वही है कि आपकी जो कॉपी है उसका पुनः मूल्यांकन किया जाएगा और जो भी आपके फाइनल नंबर होंगे वो आपके रिजल्ट पर अपडेट कर दिए जाएंगे। यदि आपके नंबर उन नंबरों से भी कम आते हैं तो आपका जो भी फाइनल नंबर होगा वो आपके रिजल्ट पर अपडेट होंगे। ऐसा नहीं है कि स्कूटनी में आपके नंबर घट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपका इम्प्रूवमेंट फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो आपके इम्प्रूवमेंट में आपके यहाँ पर नंबर ज्यादातर बढ़ जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि आप लोग अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर दो विषय में इम्प्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हिंदी विषय में पास होना अनिवार्य है। दूसरे नंबर पे यदि आप लोग हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो भी आप लोग एक विषय में इम्प्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप लोग यहाँ पर
अनुपस्थित है तो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी विषय में पास होना अनिवार्य है। यदि आप लोग यहाँ पर पास हो और आपके नंबर कम है तो आपका जो भी फाइनल चांस है वो यहाँ पर स्कूटनी का है। स्कूटनी के अलावा आप लोग कोई भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करेंगे इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। जैसा कि आप लोगों को बता दूं, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के स्कूटनी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट के फॉर्म नहीं आए हैं। जल्दी आने की उम्मीद है, फिलहाल अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसी, और जब भी आएंगे ये फॉर्म हम आपको चैनल के माध्यम से सूचना देते रहेंगे। तो इस वीडियो को एक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इम्प्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट के जो भी फॉर्म की फीस होगी वो दोस्तों यहाँ पर ₹500 होने वाली है। यदि आप लोग दो सब्जेक्ट में डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर ₹1000 का फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो फाइनली ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इम्प्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट फॉर्म की, जो कि आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी है। यदि आप लोग इम्प्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट एवं स्कूटनी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करो, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।